डॉक्टर प्रसाद, एक और चिंता हमारे विद्यार्थियों की है, वो है परीक्षा को लेकर, क्योंकि जिनकी परीक्षा जून महीने में होनी थी, अब ये तो संभव नहीं है क्योंकि कोई भी विश्वविद्यालय जून में परीक्षा नहीं कंडक्ट करवा रहा है। जी जी। तो एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की जो तिथि थी वो कब तक है, ये आप बता दें हमारे विद्यार्थियों को, और इसके बाद उन्हें क्या करना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। हम परीक्षा कब करवाएंगे शायद इस बारे में हम अभी कुछ स्पष्ट ना बता पाए, लेकिन आगे उन्हें क्या करना है ये बताएं। बहुत सही कहा आपने डॉक्टर साहब, हम भी अपने लास्ट अपने मोबाइल्स पे अपने घरों पे ये फ़ोन मिलते रहता है, और इन्हीं दुश्वारियों को ध्यान में रख करके विश्वविद्यालय ने असाइनमेंट जमा करने की, जो असाइनमेंट जमा करने की बात मैं कह रहा हूँ, तो हैंड रिटन स्कैन असाइनमेंट जमा करने की अंतिम तारीख 31 मई 2020 की है। और चूंकि असाइनमेंट का सबमिशन एक प्री कंडीशन है एग्जामिशन में अपीयर करने के लिए, इसीलिए लास्ट डेट जो ऑफ जो एग्जामिशन फॉर्म भरने की भी जो अंतिम तारीख जून 2020 की जो है वो भी 31 मई 2020 तक की है। लेकिन जैसा कि विश्वविद्यालय ने विगत में ये सूचना अपने विश्वविद्यालय के सारे विद्यार्थियों को और सारे स्टेक होल्डर्स के साथ हमने साझा की है कि जब भी इम्तहान शुरू होगी उसके पहले 15 दिन पहले इसकी सूचना हम सारे माध्यमों से अपने विद्यार्थी तक उपलब्ध कराएंगे। और फिलहाल अभी विद्यार्थियों के लिए ये जानकारी कि आप अपने हैंड रिटन असाइनमेंट्स अवश्य 31 मई तक अपने अपने अध्ययन केंद्रों पे जमा कराएंगे, मेल से जमा कराएंगे, आपको जाने से मेल से आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप ईमेल से भेजेंगे। और उसी तरीके से अगर आपने असाइनमेंट जमा कर लिए हैं तो एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की भी अंतिम तारीख वो भी ऑनलाइन है, आपको आने की जरूरत नहीं है विश्वविद्यालय में, वो भी 31 मई 2020 तक है। ये हम जानकारी देना चाहते हैं, फिर भी यहाँ एक रिपीट करना चाहते हैं कि एग्जामिनेशन की तारीख क्या होगी, ये हम आपको 15 दिन पूर्व इसकी सूचना हम अपने सारे संचार माध्यमों से जो भी उपलब्ध है, हम आपको फेसबुक से, ट्विटर से, अपने स्टडी सेंटर के माध्यम से, अपने रीजनल सेंटर के वेबसाइट के माध्यम से, जितनी भी जानकारी जिस भी माध्यम से हो हम आप तक मुहैया कराने की पूरी कोशिश करेंगे। जी, एक प्रश्न हमारे हमारे एक स्टूडेंट ने पूछा है, अभी हमारे सामने आया है स्क्रीन पर। जी जी। जैसे ये बहुत स्वाभाविक है क्योंकि जब हम घर में होते हैं, जब हमारे पास जो नॉर्मल चैनल्स हैं वो अवेलेबल नहीं होते हैं, स्टडी सेंटर पे नहीं जा पाते हैं, तो एंजाइटी बढ़ती है। जी, जी। अब हमारे कोई स्टूडेंट है, शायद वो जनवरी 2020 के हैं, रोल नंबर तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन मैं उनके प्रश्न ये सबसे से समझ पा रहा हूँ, वो पूछ रहे हैं कि दिसंबर 2020 की परीक्षा के लिए असाइनमेंट जमा करने की लास्ट डेट क्या होगी। तो मेरे ख्याल से ये एक स्टैंडर्ड कैलेंडर यूनिवर्सिटी का हमेशा होता है, अभी जो हो रहा है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ये ऑर्डिनरी सिचुएशन नहीं है। तो ये सितंबर 2020 तक जो लोग दिसंबर में परीक्षा देना चाहते हो, सितंबर 2020 तक अपने असाइनमेंट जमा करेंगे। हमारे जितने बैचलर डिग्री के स्टूडेंट्स हैं, मतलब बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ साइंस, इस तरह के जितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जनवरी 20 में एडमिशन लिया है, उनको 30 सितंबर तक असाइनमेंट जमा करने हैं ताकि वो दिसंबर में फर्स्ट ईयर की परीक्षा दे सके। जी, और ये असाइनमेंट उन्हें मिलेगा कहाँ से डॉक्टर? ये असाइनमेंट उनको वेबसाइट पर मिलेगा। जी, हमारे होम पेज पर भी असाइनमेंट को लोकेट करने के लिए एक लिंक दे दिया गया है ताकि आपको आसानी हो, आप अपने प्रोग्राम का असाइनमेंट वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये अब छपता नहीं है, हमारी कोशिश है धीरे धीरे कि आप एक डिजिटल स्टूडेंट हो जाए। सर, मुझे लगता है कि असाइनमेंट के बारे में अपने विद्यार्थियों से हम ये बताना चाहते हैं कि इग्नू के वेबसाइट को आप हमेशा देखें। इग्नू का वेबसाइट www.ignu.ac.in पे आप हमेशा जाएं, और उसमें एक स्टूडेंट जोन है, स्टूडेंट जोन पे जब आप क्लिक करेंगे तो उसमें एक और आपको एक लिंक मिलेगा डाउनलोड। उस डाउनलोड में जब जाएंगे तो उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के असाइनमेंट्स भी मिलेंगे, अभी के भी असाइनमेंट्स मिलेंगे, और उसी में से असाइनमेंट्स को आपको डाउनलोड करना है। जैसा डॉक्टर रूपम साहब ने बताया कि अब हम इसको प्रिंट नहीं करते, हमारी पूरी प्रयास यह है कि ऑनलाइन जाने की पूरी कोशिश, जैसा डॉक्टर साहब बता रहे हैं,
तो उसमें आप असाइनमेंट्स को आप स्टूडेंट जोन में आप जाएंगे, स्टूडेंट सपोर्ट में आप जा करके स्टूडेंट सपोर्ट में डाउनलोड पे जाने के बाद आपको डाउनलोड्स मिलेंगे, और डाउनलोड्स में आपके पुराने टर्मिनल एग्जामिनेशन के प्रश्न पत्र भी वहाँ उपलब्ध हैं और असाइनमेंट्स भी उपलब्ध हैं। ये हम अपने विद्यार्थियों से साझा करना चाह रहे थे। डॉक्टर साहब, आपसे एक प्रश्न हम पूछना चाहेंगे। आपने एडमिशन की तो बात बताई, लेकिन जिन बच्चों ने, जिन लड़कों ने, जिन विद्यार्थियों ने हमारे जुलाई 2019 में एडमिशन लिया है, उनका रीएडमिशन कैसे, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, और जिनका लास्ट डेट खत्म हो चुका है, उनका अधिकतम अवधि खत्म हो गई है, वो रीएडमिशन कब कराएंगे, कैसे कराएंगे? ये इसके बारे में मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो विद्यार्थी हमारे अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में हैं, जिनमें कि सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर होता है, उनको सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में रजिस्टर करने की आवश्यकता होती है, और इसको हम री रजिस्ट्रेशन कहते हैं। जी, तो री रजिस्ट्रेशन का पोर्टल जुलाई 2020 के लिए खुला हुआ है। जी, और हमारे वेबसाइट पर जाकर वो उसको क्लिक कर सकते हैं। रजिस्टर ऑनलाइन में आप री रजिस्ट्रेशन को चुनेंगे। जी, तो आप अपना सेकेंड ईयर का या थर्ड ईयर का री रजिस्ट्रेशन फॉर्म वहाँ पर भर सकते हैं। इसके लिए अभी जो लास्ट डेट है वो 30 जून तक है। हम अपने विद्यार्थियों से ये ज़रूर बताना चाहेंगे कि लास्ट डेट की प्रतीक्षा ना करें। जितनी जल्दी आप रजिस्टर कराते हैं, उतनी जल्दी आपका डेटा हमारे पास आता है, और उतनी जल्दी हम आपके पास एक सपोर्ट सिस्टम लेकर जा पाते हैं। तो जितनी जल्दी आप रजिस्टर करेंगे, उतनी जल्दी हम आपको सपोर्ट देना शुरू करेंगे। अभी हमारे एक विद्यार्थी हैं संतोष सिंह जी, संतोष सिंह नाम है, हाँ, ये पूछ रहे हैं कि मैं SC ST का स्टूडेंट, मतलब कैटेगरी से हूँ, और फर्स्ट ईयर की फीस, फर्स्ट ईयर में फीस उन्होंने दी है या नहीं दी है? दी है। देखिए, अभी जो विश्वविद्यालय में व्यवस्था है वो इस प्रकार की है कि जिन SC ST स्टूडेंट्स का एडमिशन बिना फी के, यानी कि फी एग्जेम्पशन के आधार पर हुआ था, उनको हम री रजिस्ट्रेशन में भी फी एग्जेम्पशन दे रहे हैं, और ये सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध है, क्योंकि आपका डेटा हमारे पास है, हमें आपकी कैटेगरी का पता है, आपने फर्स्ट ईयर में फीस क्या दी थी ये हमें पता है, आपको उस पोर्टल पर जाके अपना एम्प्लॉयमेंट स्टेटस डिक्लेयर करना है, क्योंकि हो सकता है कि फर्स्ट ईयर में जब आपने एडमिशन लिया हो आप उस समय अनएम्प्लॉयड रहे हो। अगर इस समय आप एम्प्लॉयड हैं तो ये भी एक प्रोविजन है डॉक्टर प्रसाद कि जो लोग एम्प्लॉयड हैं या किसी और सोर्स से कोई स्कॉलरशिप या फाइनेंशियल असिस्टेंस ले रहे हैं, उनको री रजिस्ट्रेशन में ये सुविधा नहीं दी जा रही है। तो यहाँ पर तीन शर्तें हुई, स्टूडेंट SC ST कैटेगरी के हों, उनका एडमिशन फर्स्ट ईयर में बिना फीस के हुआ हो, फी एग्जेम्पशन के आधार पर हुआ हो, उसके बाद उनका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस जो है वो अभी अनएम्प्लॉयड हो करेंटली, कहीं से स्कॉलरशिप या फाइनेंशियल असिस्टेंस ना ले रहे हो, और वो इच्छुक हो इस लाभ को उठाने के लिए। तो ये सारे कंडीशंस हैं वेबसाइट पर। इसका मतलब ये हुआ कि यूनिवर्सिटी ये चाहती है कि SC ST फी एग्जेम्पशन उन जायज लोगों के पास जाए, कि जो एम्प्लॉयड हैं, बिल्कुल जो एम्प्लॉयड हैं वो उनको ना मिले। देखिए, आपके पास एक निश्चित राशि है जी, आप उसका फायदा अधिक से अधिक उन लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं जिन्हें इनकी आवश्यकता है। जी, यदि हम और आप एम्प्लॉयड हैं और अपनी स्टडी को अफोर्ड कर सकते हैं तो शायद हमें इसकी आवश्यकता नहीं, सो दैट हमारे बदले तो किसी और नीडी स्टूडेंट को ये सुविधा चली जाए। तो इसके पीछे जो विचार है वो यही है। बहुत उत्तम बहुत उत्तम। तो री रजिस्ट्रेशन के अलावा एक और प्रक्रिया हमारे यहाँ होती है री एडमिशन की। री एडमिशन उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने की जो मैक्सिमम वैलिडिटी पीरियड है वो खत्म कर ली है, लेकिन अपना प्रोग्राम कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। तो उनको री एडमिशन के माध्यम से थोड़ा एडिशनल समय दिया जाता है, और पेमेंट उनको प्रो रेटा बेसिस पर करना पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई मास्टर्स डिग्री का स्टूडेंट है और मान लीजिए कि 1000 रुपये फीस है और 5 कोर्सेज हैं उसमें, तो एक कोर्स की फी 200 रुपये आ गई। अब यदि उसका दो कोर्स का इनकम्प्लीट रह जाता है तो मात्र 400 रुपये फीस, 200 × 2 = 4 ऊपर कोर्स फी होती है इनकम्प्लीट कोर्सेज के लिए, वो रीएडमिशन लेते हैं।
और उसके बाद वो परीक्षा दे के अपना प्रोग्राम कंप्लीट करते हैं। प्रो रोटा रेट का मतलब हम ये समझ पाए हैं विद्यार्थियों आपके लिए कि जो पूरी प्रोग्राम फीस है उसमें जितने भी नंबर ऑफ कोर्सेज हैं उसको उससे भाग देने के बाद जो भागफल आता है वो आपके एक कोर्स का प्रो रोटा फीस होगा। बिल्कुल यही है जी। तो इसके लिए भी हमने लास्ट डेट 31 मई तक बढ़ा दी है, क्योंकि पहले ये तारीख 30 अप्रैल थी, लेकिन हमें पता है कि अप्रैल के समय किसी के लिए भी बैंक ड्राफ्ट बनवाना है, कोई ऐसा काम करना, फॉर्म भेजना जी कठिन था। तो उन्होंने हमें बहुत सारे मेल्स आए हमारे पास कि हमें कठिनाई हो रही है, तो विश्वविद्यालय ने निर्णय लिया कि इसको हम 31 मई तक बढ़ा दें। तो 31 मई तक हम फॉर्म्स रिसीव कर रहे हैं और हमारी कोशिश होगी कि आखिरी दिन भी जो फॉर्म आए जी उनको हम प्रोसेस कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी अपडेट कर दें। जी 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 जी। तो ये तो री रजिस्ट्रेशन और री एडमिशन की प्रक्रिया के बारे में बात हुई। अगर एडमिशन से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप हमारे फेसबुक पर, आप हमारे कहीं भी मतलब हमारे वेबसाइट पर आप हमें ईमेल भेज सकते हैं। ये सारी जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है, आपको तुरंत आपके प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। हम अपने विद्यार्थियों से यहाँ यह जरूर साझा करना चाहते हैं यह जानकारी कि आपका इस विषम समय में आपका सबसे बेहतर दोस्त इग्नू का जो वेबसाइट है, इग्नू के जो होम वेबसाइट है ignu.ac.in, और आपके रीजनल सेंटर के जो फेसबुक या उनके जो वेबसाइट है उनसे आपका हमेशा संपर्क में रहिए, क्योंकि हर दिन हम उस वेबसाइट की हर नई नवीनतम जानकारी, अद्यतन जानकारी हम हर दिन उसमें उपलब्ध कराते हैं। मेरा आपसे आग्रह कि आप प्रतिदिन अपने रीजनल सेंटर के वेबसाइट, रीजनल सेंटर के फेसबुक, इग्नू का फेसबुक, इग्नू के इग्नू हेडक्वार्टर का फेसबुक और हमारे जो भी वेबसाइट पे उपलब्ध जानकारियों का आप जरूर फायदा उठाएं, यह हम अपने विद्यार्थियों से साझा करना चाहते हैं। अभी हमारे एक शिक्षार्थी उमंग यादव, उनका प्रश्न आया है हमारे स्क्रीन पर कि वो जून में परीक्षा नहीं देना चाहते और ये पूछ रहे हैं कि क्या हम दिसंबर में परीक्षा दे सकते हैं। आप निश्चित रूप से ऐसा कर सकते हैं क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी है, बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके प्रोग्राम की वैलिडिटी खत्म ना हो गई हो। यदि आप जुलाई 19 में आपने एडमिशन लिया है और आप जून 20 में परीक्षा नहीं देने की स्थिति में है, क्योंकि हमारे यहाँ ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में अक्सर ऐसा होता है कि हम सिर्फ स्टूडेंट नहीं हैं, हमारे ऊपर फैमिली और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं और उनको निभाते हुए हम पढ़ते हैं जी। तो कई बार ऐसा होता है कि हम किसी कारण से परीक्षा नहीं दे पाते हैं। ये सिर्फ अभी की स्थिति में लागू नहीं है, ये हमारे यहाँ हमेशा ऐसा होता है कि कभी छुट्टी नहीं मिली, कभी घर में कहीं कोई शादी हो गई या कोई ऐसा इवेंट हो गया, हम बिजी हो गए। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि यदि आप अभी नहीं दे पा रहे हैं तो अगली बार एग्ज़ाम दे दीजिए। जब तक आपका प्रोग्राम की वैलिडिटी है तब तक आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, अपनी सुविधा से दे सकते हैं। और यदि किसी कारण से, देखिए ऐसा भी होता है हमारे यहाँ डॉक्टर प्रसाद जी, कि आज मैं दिल्ली में हूँ लेकिन कल किसी ऑफिशियल मीटिंग या किसी वर्कशॉप के लिए मैं कहीं बाहर चला जाऊँ हैदराबाद में जी, या मेरे फैमिली में कोई ऐसा इवेंट हो कि मुझे हैदराबाद में रहना पड़े, तो विद्यार्थी अपनी परीक्षा हैदराबाद में भी दे सकते हैं जी। यहाँ पे एक छोटी सी शर्त और हम अपने विद्यार्थियों से साझा करना चाहते हैं। जैसा कि डॉक्टर रूपम ने बताया कि आपकी वैलिडिटी, कोर्स की वैलिडिटी होनी चाहिए, साथ ही साथ आप एक टर्म एग्जामिनेशन में अधिकतम 48 क्रेडिट से ज़्यादा पेपर्स के एग्जाम संभवतः नहीं दे सकते। 48 क्रेडिट बहुत होता है, बहुत होता है, दैट इज द मैक्सिमम लिमिट। तैयारी करना आसान है, दैट वी हैव गिवन द मैक्सिमम लिमिट। दैट फर्ज करिए कि आप ऐसा ना समझ लीजिएगा हमारे इस चर्चा से कि आपके जितने भी पेपर्स बचे हुए हैं उसको एक टर्म एग्जामिनेशन में सारे पेपर्स में अपीयर करिएगा, ऐसी यूनिवर्सिटी आपको अनुमति, और ये संभव भी नहीं है। इसलिए अधिकतम आप 48 क्रेडिट से ज़्यादा के इम्तहान आप एक बार में नहीं दे सकते। Am I right, sir? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हमारे कई ऐसे प्रोग्राम हैं सर्टिफिकेट और डिप्लोमा जो कि इससे कम के हैं जी, तो उसमें मैं पूरे बड़े कोर्सेज की बात कह रहा था, वो तो अपने पूरे प्रोग्राम की परीक्षा एक साथ दे सकते हैं। चर्चा करते हुए अभी मुझे ये बात दिमाग में आई कि जो एक फ्लेक्सिबिलिटी हमारे सिस्टम में इनबिल्ट है उसके बारे में भी शायद हमें बताना चाहिए। जी जी जी।
जैसे हमने बताया कि आप एग्ज़ाम अपनी सुविधा से कहीं भी दे सकते हैं, वैसे ही आप मान लीजिए कि आप शिफ्ट कर जाते हैं एक शहर से दूसरे शहर, तो आप अपना रीजनल सेंटर चेंज कराएं, स्टडी सेंटर चेंज कराएं और अपनी पढ़ाई निर्बाध जारी रखें, ये बिल्कुल संभव है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ ये भी संभव है कि यदि आपने मान लीजिए कि आज पॉलिटिकल साइंस चूज़ कर लिया, अब आपको ऐसा लग रहा है कि शायद पॉलिटिकल साइंस में मेरी रुचि नहीं है, तो आप सोशियोलॉजी ले सकते हैं, आप कोर्स चेंज करा सकते हैं। इन सब के लिए नियम बने हुए हैं, इन सब के लिए प्रोविजंस हैं, तो आप इस तरह से हमारे यहाँ एक बहुत ही फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट में अपनी सुविधा से अपने पेस पर पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे कि हमारा बैचलर डिग्री प्रोग्राम 3 साल का है, लेकिन 6 साल का समय आपके पास उपलब्ध होता है इस कार्यक्रम को पूरा करने के लिए, और उसके बाद भी यदि आपको कठिनाई है तो री एडमिशन के माध्यम से 2 और साल आपको मिलते हैं। उसी तरह से मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम जो कि 2 साल का होता है, हम 5 साल का समय देते हैं कंप्लीट करने में, और री एडमिशन में फिर से 2 साल, यानी कि 2 साल का कार्यक्रम आप 7 सालों में पूरा कर सकते हैं। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी एक रेगुलर सिस्टम में नहीं संभव हो पाती है, मैं समझता हूँ। प्रश्न है डॉक्टर साहब, वो प्रश्न है कि एग्जाम और रजिस्ट्रेशन फी इन्होंने पे किया है बट उनको कोई कंफर्मेशन नहीं मिली है, सो ऐसे हालात में उनको थोड़ी सी चिंता है, हम उसकी चिंता को कैसे। हाँ, बिल्कुल। देखिए, हम सबके साथ अक्सर ऐसा होता है कि हम कोई ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, लेकिन किसी कठिनाई की वजह से, मान लीजिए कि हमारे एंड पे इंटरनेट ड्रॉप कर गया, उस समय कनेक्टिविटी वीक हो गई, तो कई बार पेमेंट कंफर्मेशन हमारे पास नहीं आती है। तो हम ऐसे विद्यार्थियों को ये सलाह देंगे कि आप तुरंत दूसरा पेमेंट ना इनिशिएट करें जी, आप 24 से 48 घंटे की प्रतीक्षा करें। अच्छा। हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था है जी कि जो पेमेंट गेटवे का सर्वर है, बैंक का सर्वर है और हमारा अपना जो सर्वर है, वो आपस में कम्युनिकेट करके एक दूसरे को अपडेट करते रहते हैं। हम S2S कहते हैं, सर्वर टू सर्वर कॉन्फ़िगरेशन। तो जो पेमेंट्स मान लीजिए कि कंफर्म नहीं हो पाई हमारे सिस्टम पे, उनका कंफर्मेशन एक रेगुलर मैनर में होता रहता है जी। तो आप 24 से 48 घंटे की प्रतीक्षा करें, और जहाँ तक री रजिस्ट्रेशन की बात है, स्टूडेंट्स अपने लॉगिन में जाके देख सकते हैं पेमेंट स्टेटस, वो बता दिया जाता है कि पेमेंट बाउंस कर गया या पेमेंट फेल कर गया या पेमेंट सक्सेस। इस विद्यार्थी को अभी हमें थोड़ा वेट करना होगा, 2 दिन जरूर वेट कर, 2 दिन वेट कर। अच्छा, एक और प्रश्न है डॉक्टर साहब, एक विद्यार्थी हमारे से जुड़ करके MBA हॉस्पिटलिटी में एडमिशन चाहते हैं, MBA इन हॉस्पिटलिटी।